आज हम दोस्तों बना रहे हैं उत्तम। इसके लिए चाहिए एक कटोरी सूजी और दही। दही और सूजी को मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और धीरे धीरे चलाएंगे। इसको मिश्रण को अच्छी तरह में स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक भी डाल दें अपने टेस्ट के हिसाब से। दोस्तों जैसे कि हमने ये सब्जियां पहले ही काट के रख ली हैं और ये थोड़ी सी हरी मिर्च अब इस बैटर में डालेंगे। और इसको सेट होने के लिए 10 मिनट तक रख देंगे। दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं आप, इसका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, तो अब इसको हम पानी डाल के थोड़ा पतला करते हैं। इसका बैटर ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ही पतला होना चाहिए, जैसे कि 10 मिनट हो गए थे तो अभी गाढ़ा था बैटर इसका, तो इसमें थोड़ा सा पानी हो। ये देखो दोस्तों, आप पानी डाल के थोड़ा ये बैटर बढ़िया हो गया है, तो उसको 2-4 मिनट और रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह आपस में मिल जाए। 2-4 मिनट के बाद ये एक बढ़िया बैटर बन गया है। आइए हम इसे अब बनाते हैं उत्तम। दोस्तों उत्तम बनाने के लिए तवा जो है एकदम गर्म होना चाहिए। इसको आप या तो घी में बना सकते हैं या मक्खन में बना सकते हैं। दोस्तों पहले ये थोड़ा सा घी हम तवे पे लगाएंगे। दोस्तों आइए हम बनाते हैं इंस्टेंट उत्तम। दोस्तों घर में आपके पास जो भी सब्जियां पड़ी हैं, जैसे शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। दोस्तों सब्जियों को थोड़ा सा प्रेस कर दें, क्योंकि जब आप फ्लिप करेंगे तो सब्जियां इसमें से निकल जाएंगी, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से इसको प्रेस कर दें और साथ साथ में थोड़ा सा घी इसके ऊपर डाल दें। दोस्तों ये देखिए बहुत ही बढ़िया उत्तम तैयार हो गया है। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ, तो इसका बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। दोस्तों आप इसको हरी चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं और इसका स्वादिष्ट उत्तम का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं आप, ये बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट उत्तम बन गया है। आप हरी चटनी, सॉस और टमाटर प्याज के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है। वीडियो देखने के लिए